हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे इमली की चटनी, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है तो सब लोग फ्राइड और पकौड़े समोसे ये लोग खाते हैं, घर पे बनाते हैं बाजार से, तो उनमें फ्राइड जो कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, फैट, सैचुरेटेड फैट होती है, तो इसलिए हम आज बनाने लगे इमली की चटनी, क्योंकि हम जब फ्राइड फ्रूट्स खाएंगे तो वो इमली की चटनी है वो फैट बनने नहीं देगी और एब्जॉर्प्शन हमारी जल्दी हो जाएगी। तो ये हम दो तरह की बनाने लगे हैं, एक इमली की चटनी नॉर्मल जैसे होती है और एक बनाएंगे, अगर किसी को थोड़ा खट्टा मीठा सा अच्छा लगता है तो वो बनाएंगे। तो जो मीठी वाली है उसमें हम बिना शक्कर चीनी या गुड़ के, इसके बिना बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम चटनी तो बनाना। ये फ्रेंड्स, हमने नॉर्मल इमली भिगोई थी 5-6 घंटे। तो अब इसको पहले हम छान लेंगे, तो छानने के बाद हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे अब, क्योंकि इसमें सीड्स होते हैं वो हमने अलग कर लेने हैं। ये देखिए निकल आया ना, वो सारा जो रस है जिसकी चटनी में नहीं वो नीचे चला गया, और ये देखिए वो नीचे चला गया सारा रस, और ये सीड्स और उसके जो लच्छे से होते हैं वो ऊपर रह गए हैं। ये देखिए ये निकल आई नीचे, जिसकी बनेगी चटनी, जो रस है इमली का वो निकल आया। अब हम इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे इसको हम, और बाद में इसमें हमें डालना है काला नमक, और साथ में डालेंगे इसमें काली मिर्च, और साथ में इसमें डालेंगे आमचूर। सॉन्ट सॉन्ट भी आमचूर भी डालेंगे। ये भी डब हो गया, तो अब हम इसमें डालेंगे, जब इसमें हम डालने लगे हैं सॉन्ट, अदरक ये गैस बनने नहीं देगा, ड्राई जिंजर जिसको बोलते हैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। स्लो फ्लेम कर लेना पहले, क्योंकि इंडक्शन पे बना रहे हैं हम लोग, ये 500 पे रखा। ये काला नमक डाल दिए टेस्ट के हिसाब से, फिर आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और या काली मिर्च भी डाल सकते हैं, हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये बन गई है नॉर्मल हमारी इमली की चटनी, जो वेट लॉस में हमको हेल्पफुल रहेगी, और जो कि आप समोसे बन टिक्की या पकौड़े कुछ खाते हो उसके साथ अगर खाओ तो ये आपका फैट भी बनने देगी। तो मैंने एक इमली का वीडियो भी बनाया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ इमली, इमली के फ़ायदे, वो ज़रूर देखना। बस अब ये बन के तैयार ही है, ये इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सूख जाए, थोड़ी सी थिकनेस आ जाए इसकी इमली की, फिर इसको जब ये कूल डाउन हो जाएगी तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। एक अच्छी सी स्मेल आ रही है इसकी, ये तो आप इसको जो स्टीम सी उठ रही है इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, घर में बनाए ज़रूर आप, ये हेल्दी भी रहेगी और फ्रेश की फ्रेश। ये बन के तैयार है, अब हम बनाने लगे हैं मीठी वाली। ये हम डाल रहे हैं इसमें खजूर, जो हमने मैश की नहीं है, तो ये हमने खजूर ली थी, ये सीड्स वाली, इनको हमने थोड़ी देर भिगो दिया, बाद में सीड्स निकाल के खजूर हमने इसी में डाल दी है। इसको हमने वो मैश कर लिया या ग्राइंड कर लिया उसमें ग्राइंडर में, इमली के अंदर अब हमने खजूर डाल दी है, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। अब फिर से वही करना है, सौंठ जो ड्राई जिंजर है वो, काला नमक या रेड चिली डाल सकते हैं आप, और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर आ गया, और इसमें काला नमक डाल देंगे या आप रेड चिली भी डाल सकते हो। तो ये उनके लिए है जो थोड़ा सा मीठा सा पसंद करते हैं, हल्का खट्टा मीठा टेस्ट है। इसको भी हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है डायबिटिक्स, और ये डायबिटिक्स के लिए
वो ले सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी है ये। ये खजूर की हो गई है, खजूर और इमली की चटनी। बस ये अब तैयार है। अब इसको आप समोसे, टिक्की, चाट किसी भी चीज़ में डाल के खाओ तो आपका वो फैट नहीं बनने देगा। तो ये इमली की ये ब्रेडी हो गई है चटनी, खजूर, ये खजूर वाली है जो इमली की चटनी है। और अब दूसरे में आ जाएगी हमारी जो सिर्फ इमली की है, जो सिर्फ खट्टी खट्टी होगी टेस्ट में। ये वाली खट्टी मीठी होगी और वो वाली मीठी मीठी होगी, लेकिन कलर दोनों का सेम ही है, टेक्सचर दोनों का सेम है। तो आप इसको खाएं और मज़े लें सर्दियों में बिना फैट के।